जय श्री गणेश जी। दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और अध्यात्मचंद से हूँ। और आज का वीडियो मैं जो आपको दे रही हूँ, ये आपके जीवन में अगर संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आपके लिए है। तो आज हम काले तिल का एक प्रयोग बता रहे हैं आपको, जो चाहे आपका वशीकरण हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे विदेशण हो, घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में आपको काम आएगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले एक मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं और शनिवार वाले दिन आपको उन एक मुट्ठी काले तिल को, मतलब पहले खरीद के रख लेना, शनिवार को मत खरीद के लाना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शनिवार को तेल खरीदते हैं, शनिवार को तिल खरीदते हैं। भैया, ये बहुत गलत बात है। जिस चीज़ लोहा है, तिल है, तेल है, शनिवार को नहीं खरीदे जाते हैं, ठीक है। दान होता है, खरीदते नहीं है, यानी घर से बाहर निकालते हैं, खरीद के नहीं लाते हैं। यही गलती है आप लोगों की, इसलिए काम नहीं बनते। तो करना क्या है आपको, शनिवार के दिन से पहले तिल खरीद के ले आइएगा, काले तिल। और उसके बाद आपको एक मुट्ठी काला तिल जल में डाल देना। अगर एक मुट्ठी नहीं डालना है तो भाई एक चम्मच डाल देना, दो चम्मच डाल देना, थोड़ा सा चुटकी भर डाल देना, डालो। अब उसमें उससे आपको सुबह शनिवार के दिन स्नान कर लेना बढ़िया तरीके से, नहा धो के आप तैयार हो जाएंगे। उसके बाद शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि शनिचर की पूजा हमेशा शाम को होती है, शाम को आप शनिदेव के मंदिर जाओ। मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे एक मुट्ठी तिल जो है अपने हाथ में रखना है और ओम शन शन शराय नमः का जाप करिए कम से कम 108 बार। और वहाँ पे बोल दीजिए, शनिदेव महाराज, मेरी फला फला परेशानी है और इससे मैं मुक्ति चाहती हूँ। परेशानी कोई भी हो सकती है, आपकी सास परेशान कर रही हो, आपका पति परेशान कर रहा हो, आपकी पत्नी परेशान कर रही हो, आपकी बहू परेशान कर रही हो, आपका प्रेमी परेशान कर रहा हो, आपकी प्रेमिका परेशान कर रही हो, बॉस परेशान कर रहा हो, दोस्त परेशान कर रहा हो, रिश्तेदार परेशान कर रहा हो, ये हो गया, वो हो गया, वो भाग गई, वो चली गई, वो ये हो गया, वो हो गया, मतलब लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। तो पैसे नहीं बढ़ रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी हो सकता है ना आपकी परेशानी, बस उस परेशानी को बोल के संकल्प जरूर लेना है कि हे शनिदेव महाराज जी, मैं फला फला पुत्री, फला फला पुत्र, फला फला, और मेरा ये स्थान है, मेरा ये निवास है, और मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूँ, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें, और मेरा जो कार्य है जिसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ, इसकी सेवा को स्वीकार करें, उस काम को मेरा पूरा करें। बस फिर आपको 108 बार ओम शन शन शनि का नाम का जाप करना है। आप चाहे तो शिव चालीसा, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव शनि की स्तुति भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है भैया, जितना टाइम लगा सकते हैं, भगवान तो खुशी होगा जितना आप पूजा करोगे। और उसके बाद उस पर जो है अपने माथे पर लगा कर, क्योंकि आपने उसको पवित्र कर दिया है, अपने माथे पर लगा कर बस सीधे हाथ से, जैसे चढ़ाते हैं ना कोई चीज़, फेंकना नहीं है, ऐसे देर ऐसे मुट्ठी को छोड़ते हुए शनि शिला पे चढ़ा दीजिएगा। अगर शनि शिला आपके एकदम पास नहीं है तो पास में थोड़ा सा नीचे करके चढ़ा दीजिएगा, लेकिन चढ़ा देना और हाथ जोड़ लेना और कह देना कि बाबा कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दो, मैं आपकी संतान हूँ और मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है मेरा काम होगा। और याद रखना, इस उपाय को कम से कम लगातार 7 शनिवार करना ही करना है। काम अगर एक दिन में भी हो जाएगा तो भी 7 शनिवार उसको कंटिन्यू करना, नाकाम मत करना। जिन लड़कियों को प्रॉब्लम होती है मंथली, वो लड़कियां उस शनिवार को नहीं जाएंगी, लेकिन वो शनिवार आपका आगे एक बढ़ जाएगा तो उसको मत जाना। लेकिन क्योंकि मंदिर नहीं जा सकते ऐसे में, तो बस जाओ करो और करके आओ। और लड़कियों का 7 से 8 शनिवार हो जाएंगे, कोई बात नहीं, एक शनिवार छोड़ देना, लेकिन घर में बैठ के ओम शनि शनिश्चय का नाम का जाप करना। और अगर आप 40 पढ़ रहे हो तो 40 भी पढ़ लेना, स्तुति पढ़ रहे हो तो स्तुति भी पढ़ लेना, ठीक है। टाइम का ध्यान रखना, अगर आप एक्सिस टाइम पे जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुशहाल रहिए, भगवान आपको खूब खुश रखे, खूब दे, जो मुझे मानते हैं उन्हें भी खुश रखे, जो मुझे नहीं मानते हैं उन्हें भी खुश रखे, भगवान सबके हैं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई समस्या है तो भगवान के लिए नीचे कमेंट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ वॉइस मैसेज में व्हाट्सअप कर दें 8126476399।